हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी रूम। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रही हूँ कि हमें ट्रांसफ़र फॉइल किस तरीके से अप्लाई करनी है। आप में से काफ़ी लोग मेरे को डीएम करते हैं कि जब भी आप ट्रांसफ़र फॉइल करते हो तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। सो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है एक अमेज़ॉन हॉल जिसमें मैंने ट्रांसफ़र फॉइल्स खरीदे हैं अमेज़ॉन से, प्लस उसके साथ मैंने एक दो चीज़ें और खरीदी हैं क्योंकि दुकान पर चल रही है मेगा फैशन एंड ब्यूटी सेल, जिसमें आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 80% तक का डिस्काउंट। आई एम गोना शो यू कि मैंने क्या क्या खरीदा है। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको फॉइल ग्लू कैसे यूज़ करना है और आपको भी अगर ट्रांसफ़र फॉइल करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाय, जो मैंने सबसे पहले फॉइल खरीदी है वो है ये, दिस इज़ अ लेस फॉइल। ये लेस प्रिंट में फॉइल है, ऐसी फॉइल मेरे पास नहीं थी तो आई थॉट कि मुझे यू नो लेस प्रिंट की फॉइल खरीदनी चाहिए। सो दिस इज़ द फॉइल, ये आप देखेंगे ये लेस प्रिंट पे है, यू कैन सी, एंड ये ब्लैक कलर है एंड ये वाइट कलर है। ये मैंने ख़रीदी है सेवी ब्रांड से, SAVI सेवी ब्रांड से, एंड इसका जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस वो था 650, बट सेल में मुझे ये मिली है 245 रुपीज़ में। एंड जो मैंने सेकेंड फॉइल ख़रीदी है वो है ये है एनिमल प्रिंट का ट्रांसफ़र फॉइल, एंड इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लियोपार्ड प्रिंट है, यहाँ पे स्नेक प्रिंट है, एंड यहाँ पे अगेन लियोपार्ड प्रिंट है, डिफरेंट कलर्स का छोटा बड़ा लियोपार्ड प्रिंट है। एंड ये बहुत इन रहती है, बहुत लोग करवाते हैं ये वाला फॉइल का आर्ट, ये एनिमल प्रिंट आर्ट बहुत लोग करवाते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी फॉइल है, एज यू कैन सी कि बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं इसमें। लियोपार्ड प्रिंट में ही आपको मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 to 6 कलर्स आपको लियोपार्ड प्रिंट में मिल जाएंगे, टोटल 10 शीट्स हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो है, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो अगेन 650 है, बट मेरे को ये मिली है 395 रुपीज़ में। सो ये भी सेवी ब्रांड का ही है और बहुत अच्छा है। फॉइल्स जनरली 350 to 450 की रेंज में आते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के फॉइल होते हैं, अदरवाइज़ आपको 150-200 की रेंज में भी फॉइल्स मिल जाएंगे, बट उनका जो प्रिंट है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप फॉइल खरीद रहे हो तो एक अच्छी जगह से ही आपको ख़रीदना है। सो दैट इज़ वाई आई हैव बॉट इट फ्रॉम दिस सेवी ब्रांड। सेवी ब्रांड के बहुत सारे नेल प्रोडक्ट्स आते हैं एंड बहुत सारे यू नो नेल आर्ट के प्रोडक्ट्स इनके रहते हैं, तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, सो मैंने बहुत ईजिली ख़रीदा है। सो दिस इज़ द सेकेंड फॉइल विच आई हैव गॉट। देन मैंने ख़रीदी है ये फॉइल, एंड ये भी अगेन इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड सेवी। सेवी की ही मैंने मोस्टली जो फॉइल खरीदी मैंने सेवी ब्रांड से ही खरीदी है, बिकॉज मेरी टेस्टेड है और बहुत अच्छी फॉइल्स रहते हैं। ये जो प्रिंट है इट्स लाइक अ क्रैकल प्रिंट, सो ये ब्लैक में है, ये क्रैकल प्रिंट रहता है, बहुत प्रिटी लगता है, मार्वल प्लस क्रैकल का प्रिंट ये रहता है। सो ये है एक, ये ख़रीदा है मैंने, एंड इसका जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम है, 199 रुपीज़ में मेरे को ये दो मिली है। ये दो का सेट आता है, एक ब्लैक और एक ये गोल्डन में, बहुत ही प्रिटी क्रैकल प्रिंट आता है। आपने किसी के वाइट नेल्स किए हैं या वाइट में कुछ भी आर्ट किया है तो उसके साथ ये बहुत गोल्डन एंड यू नो वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्रिटी है, एंड कॉस्ट भी बहुत यू नो इट्स जस्ट 199 रुपीज़ में आपको ये दो पीस मिल रहे हैं। सो ये है मेरा थर्ड फॉइल परचेज। देन उसके बाद मैंने ख़रीदी है ये तीन फॉइल्स हैं डिफरेंट प्रिंट्स के, तो मैं आपको वन बाई वन दिखाती हूँ। सो पहले है ये है सेवी ब्रांड का ही फॉइल है ये, एंड इसमें 10 स्ट्रिप्स आते हैं विद डिफरेंट प्रिंट्स। मेरे को एक्चुअली फ्लावर प्रिंट्स चाहिए थे तो इसलिए मैंने ख़रीदा। इसमें बहुत प्रिटी प्रिंट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही नो मल्टी कलर्ड के इसमें फॉइल्स हैं। सो आई विल शो यू, एक ये है, फिर एक ये विद रिटन के साथ है, एंड देन फिर ये फ्लावर है, ये बिग फ्लावर्स स्मॉल फ्लावर्स बहुत प्रिटी लगते हैं गाइस फॉइल्स में।
एंड देन ये है, इसके पूरे 10 स्ट्रिप्स हैं और एक से एक लेटेस्ट फ्लावर प्रिंट है, ये ट्रांसपेरेंट में है एंड इसके नीचे आप कोई भी कलर लगा के कर सकते हो, ये भी ट्रांसपेरेंट में है एंड देन ये है, सारे एकदम बेज एंड पीच कलर के हैं, बहुत प्रिटी लगते हैं गाइज ये, आपको आप इनको इनबिल्ट भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से पूरी 10 शीट्स हैं। ये वाली जो है इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, इसकी लेंथ जस्ट 20 सेंटीमीटर है, बट ये वाली जो फॉइल्स है इनकी पर शीट की लेंथ 100 सेंटीमीटर है एंड इसका जो प्राइस है वो है 245 रुपीज़, अदरवाइज इसका ओरिजिनल प्राइस है 550, बट इट्स ऑन डिस्काउंट सो ये 245 में है, सैवी ब्रांड का है। देन मैंने लिया है ये भी सैवी ब्रांड का ही है, इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हो, मैंने एक यूज़ करके भी देखा था चेक करके एंड इसमें भी फ्लावर्स ही हैं, बट इससे डिफरेंट फ्लावर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन एंड यू नो रोज़ेस बने हुए हैं इसमें, सब डिफरेंट है, ये बटरफ्लाइज विद फ्लावर्स हैं। बहुत ज़्यादा हमें काम आती हैं ये ट्रांसफर फॉइल्स, बहुत लोग करवाते हैं जैसे मैंने आपको बोला। इसका जो प्राइस है वो है 220 रुपीज़, ये था 245 में एंड ये है 220 में, इसके भी 10 शीट्स हैं एंड बहुत प्रिटी है। लिंक मैं सबके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन अगेन थर्ड वन इज़ दिस, ये भी ट्रांसफर फॉइल है बट इसका ये फ्लावर में नहीं है, ये है बेसिकली मार्बल में, सो मैंने मार्बल की शीट्स खरीदे हैं। बस एक ही ड्रॉबैक है कि शीट बहुत छोटे हैं, बट यू नो इट्स वर्थ इट, बहुत बहुत प्रीमियम क्वालिटी के ये फॉइल्स हैं, बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट मार्बल्स हैं इसमें, बहुत प्रिटी हैं गाइस, एकदम ओरिजिनल जैसे मार्बल्स हैं। यू नो आपको अगर मार्बल ऐड करने में दिक्कत होती है तो यू कैन बाय दीज फॉइल्स एंड डू मार्बल वेरी ईजिली नो। तो ये ब्लैक में है, पिंक में है, बहुत 10 शीट्स हैं, ये भी 10 डिफरेंट मार्बल्स हैं। सो ये था, इसके बाद मैंने ख़रीदा है एक फॉइल ग्लू, बिकॉज़ बिना फॉइल ग्लू के तो फॉइल्स नहीं होता है। सो क्योंकि मैं एक ऐसा ग्लू लेना चाहती थी जो अमेज़ॉन पे ईजिली अवेलेबल हो एंड दिस इज़ XKJ स्टार ग्लू, ये अराउंड 345 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा एंड ये मैंने ख़रीदा। आई शो यू, मैं इसी से आपको करके दिखाऊंगी। इसके बाद जो मैंने ख़रीदा है वो है ये आप देख रहे हो, इसमें फ्लावर्स हैं एंड कैवियर बॉल्स हैं, ये थोड़े बड़े कैवियर बॉल्स हैं एंड 3 शेड्स में, रोज़ गोल्ड, सिल्वर गोल्ड एंड देन यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। आई एम सॉरी, अभी नीचे कोई अपनी कार निकाल रहा है पार्किंग में से, सो हॉर्न की आवाज़ आ रही है। सो ये देखेंगे आप, ये रेजिन के फ्लावर्स हैं, दे आर फ्लैट फ्लावर्स, जब आप इनको अप्लाई करते हो तो बहुत ईजली अप्लाई हो जाते हैं एंड दे आर वेरी इन नाउ डेज, बहुत ज़्यादा इन है ये, इस तरीके से एकदम फ्लैट फ्लावर रहता है, डिफरेंट साइज़ के हैं, सबसे बड़ा है, फिर देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा एंड सबसे छोटा, राइट। तो इस तरीके से ये फ्लावर्स हैं विद कैवियर बीड्स। सो ये बहुत इन है, मेरे ख़त्म हो गए थे तो देन आई थॉट कि अमेज़ॉन से ले लेते हो एंड यहाँ पे ये पर्ल्स हैं, ये भी बहुत चलता है। इसका जो प्राइस है गाइस, जो ओरिजिनल प्राइस है वो 700 है, बट बिकॉज ऑफ द सेल आई गॉट इट इन 335 रुपीज़। ये भी सैवी ब्रांड का ही है, SAVI सैवी ब्रांड का, एज आई टोल्ड यू कि सैवी ब्रांड के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारा लोगों का नेल आर्ट का प्रोडक्ट बहुत प्रिटी रहता है। एंड देन नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा है वो भी अगेन इट्स फ्रॉम द सैवी ब्रांड, ये 3D के फ्लावर्स हैं प्लस इसमें बोज हैं, बटरफ्लाइज हैं, लाइक चार्म्स यू कैन से, 3D के बड़े बड़े फ्लावर हैं इसमें। आई शो यू, ये देखिए आप, ये इस तरीके का पूरा 3D 4D फ्लावर है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बो हैं, दिस इज़ बो, ये बो है एंड इसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, यू नो विद लेस है इसमें, बो के साथ विद लेस है। देन यहाँ पर अगेन ये बो है, ये भी बहुत प्यारा है एंड आप देखेंगे कि एक बो फिर ये है। सो इसमें मैंने बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको इसमें ये चार्म्स मिल जाएंगे एंड दे लुक्स वेरी नाइस ऑन नेल्स, में बटरफ्लाइज हैं इस तरीके से, दीज आर द बटरफ्लाइज। तो ये बहुत बहुत प्रिटी सेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड प्राइस वाइज भी जस्ट
360 का है, वैसे ये 750 है इसका ओरिजिनल प्राइस, बट ड्यू टू यू नो सेल ये 360 में मुझे पड़ा है एंड इट्स वर्थ इट. एंड देन नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है एक सेट बफर्स का, ये नेल फाइल्स हैं, एमरी बोर्ड बफर्स हैं, हैंड फाइल्स, तो ये मैंने ख़रीदा है. इसका सेट है ये, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड बोल्ट बी. तो इसमें पांच डिफरेंट शेप्स के बफर्स हैं, दो एक बनाना बफर है एंड देन एक रेगुलर बफर है एंड देन हाफ मून है. तो इसमें ये पांच बफर्स हैं एंड ग्रिड भी बहुत अच्छा है, 100x180 का है ये एंड बहुत यू नो गाइस बहुत अच्छे बफर्स हैं ये एंड प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी रेंज है. इसका ओरिजिनल प्राइस 500 है बट बिकॉज ऑफ द सेल जो मेगा फैशन सेल चल रही है उसमें ये 299 में मुझे पांच बफर्स पड़े हैं एंड क्वालिटी इज़ टू गुड. मोस्टली बफर्स का ये जो एमरी बोर्ड होता है ना ये निकल जाता है, फट जाता है, तो ये वैसे नहीं है. 100x180 ग्रिड के ये सारे बफर्स हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का है. छूने से ही क्वालिटी का पता चल जाता है कि क्या चीज़ है ये. सो माई नेक्स्ट परचेज इज़ दिस. सो ये था, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ट्रांसफ़र फॉइल किस तरीके से यूज़ करना है, स्पेशली दिस स्टार ग्लू के साथ हमें किस तरीके से फॉइल ऐड करनी है. सो गाइज आई एम गोइंग टू डू 3 नेल्स इन फ्रंट ऑफ यू यूजिंग दिस स्टार ग्लू. एंड ये जो ग्लू है ये इट्स अ लिटिल टिपिकल, इसके साथ वर्क करना काफ़ी ट्रिकी है. सो बट आई एम गोना टेल यू द करेक्ट वे आपको किस तरीके से इस ग्लू को यूज़ करना है. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ग्लू को अप्लाई करना है अपने नेल पर. मैं तीनों नेल पर एक साथ अप्लाई करूँगी. क्यों? क्योंकि दिस ग्लू टेक्स लिटिल बिट टाइम टू ड्राई. इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है, नॉट लिटिल बिट इवन. जो हमारे अदर ग्लू हैं वो हम 1 मिनट के लिए लैम्प में क्योर करते हैं और वो फटाफट ड्राई हो जाते हैं. आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यू नो डिफरेंट है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, ये एकदम वाइट कलर की ग्लू रहती है. ठीक है, तो हमें इसको प्रॉपर लगाना है, कम नहीं लगाना है, यू नो प्रॉपर होना चाहिए. एकदम ऐसा नहीं कि आपने कम ग्लू लगाया है, अगर आपने कम ग्लू लगाएंगे तो नहीं काम होगा इससे. आपको प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन करनी है. एंड मैं तीनों नेल पे कर रही हूँ सो दैट कि मैं लैम्प में इसको एक साथ ही क्योर कर दूँगी. जनरली जो हमारे फॉइल ग्लूज होते हैं उनको हम क्योर करते हैं फॉर 1 मिनट और उसके बाद ही वो उसका जो ग्लू है एक्टिवेट हो जाता है. बट ये जो स्टार ग्लू है इसमें यू हैव टू क्योर इट फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स. सो मैं इसको लैम्प में रखने जा रही हूँ 3 मिनट के लिए अपने तीनों नेल्स को. एंड जब तक नेल प्रिपेयर हो रहा है मैं फॉइल देख लेती हूँ कि मुझे कौन सी अप्लाई करनी है. एक इसमें से ले लेते हैं हम. एंड एक हम ले लेते हैं. सो अभी 1 मिनट के लिए क्योर हुआ है, मैं उसको अगेन मैंने प्रेस कर दिया है. अभी मेरे ये नेल्स रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो अभी ये ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम ग्लू एंड नाउ इट्स रेडी टू यूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले ये वाली अप्लाई करूँगी. इसको यूज़ करने से पहले हमें ये इस तरीके का सिलिकॉन टूल चाहिए जो यहाँ से फ्लैट है सो दैट हम उसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं. डायरेक्टली फॉइल अप्लाई करूँगी इस पर एकदम स्लैंटिंग वे में और जितनी हमें चाहिए उतना ही मैं जो प्रिंट मुझे चाहिए उस पर मैं इसको अप्लाई करूँगी इस तरीके से. एंड अप्लाई करने के बाद आपको इसको इस यहाँ से प्रेस करना है. कम्प्लीटली प्रेस करने के बाद आई विल क्योर इट फॉर 1 मिनट. 1 मिनट के लिए फिर से इसको मैं लैम्प में डालूंगी. इसको मैंने 1 मिनट के लिए क्योर कर दिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दिस फॉइल. इसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. 1 इज़ कि आपने प्रेस
प्रॉपर किया है या नहीं, सेकंड की आपने ग्लू प्रॉपर लगाया है या नहीं, एंड थर्ड की ग्लू को आपने प्रॉपर क्योर किया है या नहीं। सो नाउ मैं इसको रिमूव करती हूँ, धीरे धीरे मैं यहाँ से खोलूँगी इसको। कंप्लीट प्रिंट आया है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट नेल रेडी हुआ है, एंड देन मैं सेकंड नेल पे लगाऊंगी। ये है मेरा वाइट जिसपे मैं लेस का प्रिंट करने वाली हूँ। सो इसको मैं साइड में रख देती हूँ, एंड देन सेम इस पर फॉइल को कट कर दूंगी। इस तरीके से एंड देन प्रेस। को भी एक मिनट के लिए प्रॉपर प्रेस करना है, एंड देन वन मिनट के लिए क्योर। ये रेडी है नेल, एंड मैं इसको लगा एंड देन प्रेस। एंड देन वन मिनट के लिए क्योर इन द लैम्प। ये हो गया है हमारा क्योर, और अब मैं इसको भी रिमूव करती हूँ। ये देखिए आ गया प्रॉपर। राइट, सो ये हमारा सेकंड नेल है विद लेस, एंड देन दिस थर्ड वन। ये भी हो गया, अब मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। या सो दिस इज थर्ड नेल। सो आफ्टर दैट मैं इस पर लगा लूँगी टॉप कोट सारे नेल्स पे, एंड देन वी विल क्योर इट। तो इस तरीके से आपका ट्रांसफर फॉइल आर्ट कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन बाय दीज फॉइल्स, बहुत प्रिटी हैं एज यू कैन सी। एंड कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन डेफिनेटली गिव मी अ बिग थम्स अप। डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेजेस, माई इंस्टाग्राम हैंडल्स आर योर ब्यूटी रूम एंड यशिका गौतम। यू कैन फॉलो मी देयर, एंड आई विल सी यू इन वन मोर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।